अगर आप पुराने जमाने में जाएंगे, हमारे दादा परदादा जाएंगे, गांधी जी की हिस्ट्री देखेंगे, तो इन लोगों की शादियां जिनसे हुई थी, इनकी उम्र कितनी थी, आपको खुद हिस्ट्री में मालूम पड़ेगा। देखिए, मजहब कहता है, धर्म ये कहता है कि अगर लड़की अडल्ट हो जाती है, शादी के काबिल हो जाती है, तो और उसकी शादी मिल जाती है, माँ बाप शादी उसकी किसी वजह से नहीं करते हैं, तो लड़की अगर किसी गलत रास्ते पर जाएगी तो उसका पाप, उसका गुनाह माँ बाप को मिलेगा। शादी नहीं मिलती है, मजबूरी है, तो एक अलग बात है। कानून ये कहता है कि 21 साल के पहले शादी नहीं होना चाहिए। ये एक जो है ना, एक डिस्कशन का मौजू है। ये धर्म और कानून दोनों टकरा रहे हैं आपस में। ये देश हर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर अलग अलग तरह के लोग हैं। कहीं बचपन में शादी हो जाती थी पहले, अभी रवाज कई कई लोगों में ऐसा है कि जो लोग अपनी मर्जी से, अपने धर्म के मुताबिक, अपने समाज के मुताबिक शादी करते हैं। आसाम में जो हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों की शादियां पहले हो चुकी हैं, उनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, केस बनाया जा रहा है। तो मुझे बताइए कि जब वो जेल जाएंगे तो उनके बाल बच्चों का देखने वाला कौन होगा? और ये पहले हुआ है, कोई अभी नहीं। अभी इसके ऊपर इतना सख्त कानून लागू कर देना, मैं समझता हूं ये गलत होगा। काउंसलिंग की जाए उनकी, समझाया जाए उनको कि भाई अब कानून बन गया है, अब कोई अगर शादी 21 साल के पहले कोई लड़की की शादी होती है, जो लड़की और लड़कों के लिए सरकार ने जो एक उम्र तय किया है, वो होता है तो उसमें मुकदमा होगा, केस होगा, काउंसलिंग की जाए। इतने जल्दी इस तरह से एक स्ट्रांग एक्शन लेकर के जो आसाम में हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत हो रहा है। अभी हमने सुना कि कोई बच्ची ने, कोई लेडी ने सुसाइड भी कर लिया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस जुल्म के खिलाफ मैं समझता हूं कि सरकार को कदम उठाकर इसको वहां के मुख्यमंत्री को जरा समझाना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा।